वेलकम ऑल इन ICT इको फॉर यू चैनल। ICT इको फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कृपेश नायक ICT इको फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के हम रिवीजन राउंड पे स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम जनरल स्ट्रीम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 चैप्टर के बोर्ड के पेपर में जो अभी तक के पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आंसर के हमने क्वेश्चन को कैसे याद रखना है, कौन सी ट्रिक है, कौन से MCQ है, कौन से वन सेंटेंस है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी डिस्कशन अभी तक कम्प्लीट की है। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे चैप्टर फोर्थ के बैंकिंग एंड मनी के हम जो वीडियो अभी बाकी है आपके लिए वो हम लेके आए हैं। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी होने वाले हैं और उसके अंदर बहुत सारे जो भी चेंजेस है उसके साथ साथ जो भी नए ट्रिक है वो भी यहाँ आपको दिखाई देगी। बहुत सारे शॉर्ट नोट्स के पॉइंट्स भी अंदर डाले हैं, तो अच्छी तरह से नोटबुक लेके बैठे, जो भी पॉइंट है, जो भी की है, उनको डिक्टेट करते रहे ताकि आपको आसानी होगी। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन ICT इको फॉर यू चैनल। तो सब्सक्राइबर दोस्त हु आर सब्सक्राइब दिस चैनल आई हार्डली थैंकफुल, एंड दोस्त हु आर स्टिल न्यू एंड व्यूइंग फर्स्ट टाइम गो एट गूगल एंड टाइप www.ICTIcoforyou एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द आइकन ऑफ बेल so you can find out so many notification from this channel like 1 to 12 standard sorry 11-12 standards, some of the important questions, some revision round based notifications, some fully chapter back based, and Gujarati and English medium. You can find out link of notification link of this subscribe button and also one app for you for totally free on Google Play Store for the Android version user. Install my app ICT Eco for you. App के अंदर 1 से 12 और कॉलेज तक के बहुत सारे लिंक, टेक्स्ट बुक के लिंक, ब्लू प्रिंट और MCQ, बहुत सारे आपको टेस्ट भी ऑनलाइन इस ऐप से मिल सकते हैं। तो हम आशा रखते हैं कि ये भी आप इंस्टॉल कर दो, टोटली फ्री है, 5 से 7 MB की ऐप है। तो आज स्टार्ट करें बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी के बोर्ड पेपर के रिवीजन राउंड स्टैंडर्ड 12 जनरल स्ट्रीम GSEB बोर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। वीडियो को एंड तक देखें और नोटबुक और पेन लेके बैठे ताकि जो भी ट्रिक, जो भी की आपको यहां से मिले आप डिक्टेट करते जाओ तो बोर्ड के एग्जाम में काफी ईजी रहेगा आपके लिए। पॉइंट अच्छी तरह से याद आना, रिमाइंड करना, रिमाइंड करने के बाद उनको पेपर के अंदर लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पॉइंट आपके हाथ में है तो इकोनॉमिक्स में आप 80, 70, 90 आसानी से स्कोर कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन क्वोट्स। विचारथी आपणे शुरू करीए छे। आपणा દેશને પુસ્તક એવો શિક્ષક છે જે કષ્ટ આપ્યા વિના, ટીકા કર્યા વિના અને પરીક્ષા આપ્યા વિના આપણે હંમેશા શીખવાડે છે। ટેક્સ્ટબુક કોઈ ભી હો या फिर कोई भी एक एक्स्ट्रा एक बुक को पढ़ने की हैबिट डालो। मोबाइल 1-2 घंटे हम नहीं लेंगे तो चलेंगे, मगर एक बुक, कोई भी एक बुक आपको जो अच्छी लगे, जो आपके लाइफ को चेंज कर दे, ऐसी कोई भी एक बुक आप पढ़ो रोजाना आधे घंटे, 45 मिनट्स के लिए भी थोड़ा सा बुक को पढ़ो। बुक पढ़ने से नए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको, जो आपके पैशन है उसके ऊपर, और आपका कंटेंट लेवल इंप्रूव करेंगे। धीरज आपने पुस्तक सीखवाड़े छे। आपने आईफोन के बधा जे टच स्क्रीन ना मोबाइल छे तेनी पर टच करवाथी तरत ज माहिती मळी जाय छे, एटले आपणे शुं एक प्रकारना
બધા સ્પીડી જમાનામાં આવી ગયા છે કે તરત જ આપણે મળવું જોઈએ, તરત ન મળે એટલે આપણે ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાય. તો પુસ્તક આપણને ધીરજનો એક બોધપાઠ શીખવે છે, કારણ કે 10 પાનાનું હોય કે 20 પાનું 25 પાનું હોય આપણે વાંચશું તો પૂર્ણ થશે. એટલે ધીરજ ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ ખૂબ જ અગત્યની છે. ધીરજથી આપણે આપણા લક્ષ્યાંક સુધી પહોંચવાનું છે. સો દિસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે અમે કોઈ ભી એક બુક હાથમાં લેકે પઢના ચાહીએ. ટેક્સ્ટ બુક તો હમ પઢતે હૈ મગર ઉસકે સાથ સાથ કોઈ ભી એક જો હમે મોટિવ કરે, જો હમારા હમારી દિશા બદલ દે. બુક હેવ ધ સ્ટ્રેન્થ ટુ ચેન્જ યોર લાઈફ, ઉસકે પાસ ઇતની શક્તિ હૈ આપકી લાઈફ કો ચેન્જ કર સકતા. તો એક બુક અવશ્ય પડે. નાઉ સ્ટાર્ટ વિથ એમસીક્યુ સેક્શન એ માં સેક્શન એ 1 માર્ક્સ કે લીએ સબસે પહેલે ક્વેશ્ચન આપકે સામને, વેન વોઝ આરબીઆઈ નેશનલાઈઝ. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ईयर में पूछा गया है वो मायने नहीं रखते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आरबीआई कब नेशनलाइज हुई वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे दिखा है. सेकंड 1934, 35, 49, 39 में हुई. इन डिप्रेशन आरबीआई डैश बैंक रेट हिंजिस इंक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस एट लोअर रेट. आंसर इज डिक्रीजेस. डिप्रेशन के अंदर आरबीआई अपने बैंक रेट को डिक्रीज करेगी. डिप्रेशन को चेंज करने के लिए और मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आए तो ये डिक्रीज. व्हेन एसएलआर इज लो हाउ इज लॉन्स गिवन टू पीपल, मोर लेस, मोर एट हायर रेट, लेस एट लोअर रेट. आंसर इज लेस. जब एसएलआर अगर लो हो चुका है, स्टेचुटरी लिक्विड रेशियो अगर आपका लो हो रहा है, तो लोगों को जो पैसे बैंक देगी लोन के तौर पे वो कैसे देगी, लेस रेट के ऊपर, लेस लेस देगी. नेक्स्ट द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कैनेडा, यूके, यूएई, स्पेन. आंसर इज स्पेन. फर्स्ट बैंक दुनिया के अंदर पहली बैंक कहां एस्टेब्लिश हुई थी, स्पेन में, दैट इज बैंक ऑफ बार्सिलोना. Now one line questions for section B for each 1 marks. State the name of first bank in the world. Duniya ki pehli bank. March 2019 ka question hai aapke liye. The name of the first bank in the world was Bank of Barcelona. Jo Spain ke andar 1401 ke andar establish hui thi. Jo duniya ki pehli bank hai. Jiska naam hai Barcelona. Bank of Barcelona. स्टेट द मीनिंग ऑफ कोर बैंकिंग, जुलाई 2018 में पूछा गया है. स्टेट द मीनिंग ऑफ कोर बैंकिंग. कोर बैंकिंग मीन्स सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. कोर बैंकिंग मीन्स सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. When was the RBI established? मार्च 2018 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. When was the RBI established? The RBI was established on 1st April 1935, nationalized in 1949, but establishment in 1st April 1935. In which situation does RBI increases bank rate? कौन सी परिस्थिति के अंदर RBI अपने bank rate को increase करेगी? In the situation of inflation. One word is very important. इन द सिचुएशन फॉर इन्फ्लेशन. अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो 100% लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा है, डिमांड ज्यादा हो रही है, उससे हमारा जो रेट है वो बढ़ रहा है, तो उनको कंट्रोल में करने के लिए बैंक क्या करेगी, बैंक रेट जो है जो क्रेडिट देते हैं आरबीआई जिस रेट से कॉमर्शियल बैंक को, वो रेट इंटरेस्ट कर देंगे. यानी आरबीआई के पास से हाई रेट में कॉमर्शियल बैंक पैसे इकट्ठा करेंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा, लोगों को कॉमर्शियल बैंक ज्यादा रेट से पैसे देंगे, तो लोगों को पैसे महंगे लगेंगे, तो 100% उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है भाव प्राइस के ऊपर इन्फ्लेशन के अंदर. तो इन विच सिचुएशन द आरबीआई इंक्रीजेस बैंक रेट, इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. डिफाइन रेपो रेट काफी इंपॉर्टेंट. जुलाई 18 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट इज रेपो रेट. रेपो रेट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए. और उनका बहुत बार हमने ये भी सुना है कि एग्जाम के अंदर रेपो रेट, उसके बाद
रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट के आपको क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ उनके डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। तो रेपो रेट क्या है वो जानना काफी इंपॉर्टेंट है मार्च 18 और जुलाई 18 के अंदर, तो काफी अच्छी तरह से ध्यान में लो। रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई अगर कॉमर्शियल बैंक को पैसे देगी जिस रेट से देगी, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई इज अ फादर, कॉमर्शियल बैंक इज अ सन, हर एक बैंक के फादर है आरबीआई, बैंकों की बैंक यानी रिजर्व बैंक यानी सेंट्रल बैंक। द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट पीरियड 7 डेज 14 डेज 21 डेज, सो द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड रेपो रेट। द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड रेपो रेट। नाउ 6, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, मार्च 2019 का क्वेश्चन, व्हाट इज रिवर्स रेपो, नहीं रिवर्स, वर्ड ध्यान में रखना। द रेट एट विच, ऊपर देखो द रेट एट विच, यहाँ पे क्या है आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक को पैसे देता है शॉर्ट टाइम के अंदर, यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक लेंड्स टू आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक अगर आरबीआई को पैसे देती है दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पे देती है शॉर्ट पीरियड के अंदर वो जो रेट है दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। मार्च 2019 का क्वेश्चन, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक लेंड्स टू आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट्स कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज यूज ऑफ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट इज यूज ऑफ सीआरआर, सीआरआर का यूज क्या है। तो CRR is used to control inflation, inflation के ऊपर अगर control करना है तो CRR is important। तो ये section B के अंदर 1 marks के 7 question important है, ध्यान में रखना, आपके note के अंदर निटेट करना। Now mark the following question as for required of 2 marks each in section C। Section C के लिए पहला question आपके सामने, सबसे पहले write a note on qualitative tools of monetary policy। क्वालिटी टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। राइट अ नोट ऑन क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव टूल्स हमें जानने हैं, क्योंकि मार्च जुलाई जुलाई 18 मार्च 18 और मार्च 19 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको सेक्शन सी के अंदर। सबसे पहले आंसर के हम की इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, की क्या है वही इंपॉर्टेंट है। आंसर को याद रखने के लिए 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले उसकी की के बारे में हम बात करें। ये जो येलो है अपनी नोटबुक के अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपके डाइजेस्ट के अंदर, आपके पैम्पलेट के अंदर, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिख देना। सिक्योरिटी में मार्जिन रेट क्रेडिट रहेगा, 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 मेरे साथ 5-7 बार बोलना, सिक्योरिटी में मार्जिन रेट क्रेडिट रहेगा, 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 सिक्योरिटी में मार्जिन रेट क्रेडिट रहेगा। ये जो आप देख रहे हो उसके अंदर 1 by 1 पॉइंट छिपे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट सिक्योरिटी, सेकंड पॉइंट मार्जिन रेट, थर्ड पॉइंट डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, और लास्ट में क्रेडिट, शेयरिंग ऑन क्रेडिट। सबसे पहले 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, सिक्योरिटी, मार्जिन रेट, डिस्क्रिमिनेटरी रेट और सेलिंग ऑन क्रेडिट। तो सिक्योरिटी में कौन क्रेडिट रहेगा, मार्जिन रेट, ध्यान में रखना, ये दिमाग में अच्छी तरह से सेटअप कर देना पॉइंट को याद रखने के लिए। क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव पॉइंट जो है वो 4 है। क्वालिटी टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के 4 पॉइंट है, जुलाई में मार्च में 18-19 के अंदर पूछा गया, 3 बार अभी तक पूछे गए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सिक्योरिटी में मार्जिन रेट क्रेडिट रेट, आंख बंद करके भी आप 2-3 बार बोलना सिक्योरिटी मार्जिन रेट क्रेडिट रहेगा। तो सिक्योरिटी डेट इज सिक्योरिटी, मार्जिन रेट यानी मार्जिन रेट, रेट यानी डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, एंड क्रेडिट यानी सेलिंग ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर क्या है उनसे कैसे हम डिस्कस करेंगे, सिक्योरिटी के अंदर क्या लिखना है वो। तो सबसे पहले हम बात करें कि सिक्योरिटी के अंदर जो कॉमर्शियल बैंक है
किसी भी व्यक्ति को अगर पैसे देगी तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर वो मॉर्गेज करेगी, कुछ भी पैसे लेगी उसके हिसाब से ही वो पैसे दे सकती है। इनको भी दे उनके ऊपर कोई भी डिपॉजिट या फिर कार या फिर हाउस या फिर लैंड, ऐसे जो भी उनके पास वो गिरवे रखेगी और उनके हिसाब से पैसे वो देगी। जो पर्सन पैसे ना पेड कर पाए तो उन्होंने जो भी उनको दी है सिक्योरिटी के तौर पे वो बेच के अपने पैसे को रिकवर कर सकती है। सो दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी सिक्योरिटी इन सेंस टू एंश्योर दैट पीपल रिटर्न द लोन गिवन टू डैम बैंक्स लैंड मनी अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, अ बैंक टेक ज्वेलरी डिपॉजिट कार हाउसेस लैंड एक्सेट्रा। सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन आर डिफिकल्ट फॉर द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। आरबीआई डायरेक्ट कॉमर्शियल बैंक डायरेक्ट कॉमर्शियल बैंक रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स एंड द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल। ये बात हुई सिक्योरिटी की, यानी क्वालिटेटिवली कंट्रोलिंग पॉलिसी में पहले सिक्योरिटी लेगी, कोई भी पैसे ऐसे नहीं देने वाला, कुछ उसके ऊपर कोई ना कोई सेफ्टी रहती है। सेकंड इज मार्जिन रेट, मार्जिन रेट सेकंड इज मार्जिन। मार्जिन रेट क्या है वो हम जन से पढ़ेंगे अब। तो मार्जिन रेट के बारे में, जो व्यक्ति पैसे लोन के तौर पे लेता है उस लोन के ऊपर हमें कुछ ना कुछ उनसे पैसे के पे करने के लिए, जब वो पैसे लेता है बैंक से तो उन पैसे के ऊपर वो जब रिटर्न करेगा तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हमें अर्न करना पड़ेगा। तो जिस परसेंटेज से हम उनको लोन देते हैं, पैसे देते हैं, वो जितनी भी उन्होंने लोन मांगी है वो पूरी नहीं है। यानी अगर उनको 10 लाख की लोन चाहिए तो तकरीबन 50 लाख की उनके पास लैंड या प्रॉपर्टी या कुछ होनी चाहिए। यानी 50 लाख के सामने उनको कितनी लोन मिल सकती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन रेट। कितने मार्जिन पे लोन मिलेगी उनको, कितने पैसे। उनको 2 लाख चाहिए तो उसका मतलब ये नहीं कि 2 लाख की उनके पास प्रॉपर्टी है तो 2 लाख की लोन मिल सकती है। उनके पास अगर 8 लाख की प्रॉपर्टी है तो 25% मार्जिन से उनको लोन मिल सकती है। यानी 8 लाख के 25% है, दैट इज 1/4। तो उनको 2 लाख जितनी ही आप मार्जिन रेट से लोन मिल सकती है। तो ये मार्जिन रेट है कि द आरबीआई सेट्स मार्जिन फॉर द ग्रांटिंग लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी। ओनली अ सर्टेन परसेंटेज इज ग्रांटेड एज लोन ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द असेट ऑफर्ड एज सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी देंगे, अगर 50 लाख की अगर उसके पास लैंड है, 5 करोड़ की उसके पास लैंड है, तो 5 करोड़ की लोन मिलने वाली नहीं है। उनके सम ऑफ द मार्जिन परसेंटेज उनको लोन मिल सकती है। मार्जिन आर केप्ट डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट पर्पस। अलग अलग रेट से अलग अलग हो सकते हैं मार्जिन रेट। देन थर्ड पॉइंट इज डिक्रिमिनेटरी इंटरेस्ट। ध्यान में रखना, डिक्रिमिनेटरी इंटरेस्ट यानी अलग अलग इंटरेस्ट के रेट, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग रेट। अलग अलग जो भी लैंड करती है, पैसे बोरो देती है बैंक आरबीआई, तो आरबीआई अपने जो पैसे लेने वाले लोग होते हैं उनके पास से अलग अलग रेट के लोन के रेट वो रखती है। उसे कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। यानी द आरबीआई प्रिस्क्राइब्स, सॉरी, आरबीआई सजेस्ट डिफरेंट रेट्स ऑन इंटरेस्ट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडिंग। अलग अलग पैसे अगर वो दे रही है, लैंड कर रही है, तो अलग अलग पैसे के अलग अलग लैंड के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट ले सकते हैं। यानी अगर कोई पैसे वाले है तो उनको हाई रेट पे लैंड करेगी, अगर कोई मिडिल क्लास या लोअर क्लास के अगर पैसे लॉन्च के तौर पे ले रहे हैं तो उनको उसके हिसाब से लो रेट पे उनको पैसे दे सकती है। तो ये जो पॉलिसी है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट पॉलिसी। नाउ फोर्थ पॉइंट इज सेलिंग ऑन क्रेडिट, यानी मैक्सिमम लिमिट फॉर द लैंडिंग। ज्यादा से ज्यादा कितनी हम उनको लोन दे सकते हैं, कितना हम उनको लैंड कर सकते हैं। द आरबीआई प्रिस्क्राइब सेलिंग ऑफ क्रेडिट फॉर द डिफरेंट पर्पस। अलग अलग उनके जो पर्पस है उसके हिसाब से अलग अलग उनको कितना पैसा देना है वो एक लिमिट डिसाइड करती है। तो गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी पर्सन को या कोई भी यूनिट को कितना हमें लैंड करना है, कितना पैसा उनको लोन के तौर पे देना है, उनकी एक लिमिट जो है उसे हम जो सेलिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो ये 4 पॉइंट। रिपीट अगेन, सिक्योरिटी में मार्जिन रेट क्रेडिट रहेगा,
वो दिमाग में रखना, अच्छी तरह से सेट कर देना। अब नए क्वेश्चन के ऊपर हम चल रहे हैं। गिव एन आइडिया ऑफ द अकाउंट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, गिव द आइडिया ऑफ द अकाउंट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, गिव द आइडिया ऑफ द अकाउंट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यानी कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस है उसके अंदर हमें जाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुलाई 2018 का एक क्वेश्चन है, सेक्शन सी के अंदर ये पूछा गया है। सेक्शन सी के अंदर पूछा गया है कि गिव एन आइडिया ऑफ एन अकाउंट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। सबसे पहले उनके आंसर, आंसर के अंदर होती है उसकी की जो है वो फटाफट अच्छी तरह से सेट कर लेना। करंट में सेविंग फिक्स करोगे तो भविष्य में कुछ भी रिक्वायर नहीं होगा। गिव एन आइडिया ऑफ द अकाउंट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यानी कॉमर्शियल बैंक के अलग अलग अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स है उनके बारे में हमें जानकारी चाहिए। 4 मार्क्स, 4 पॉइंट के लिए 2 मार्क्स के अंदर। करंट में सेविंग फिक्स करोगे तो भविष्य में कुछ रिक्वायर नहीं है, यानी अभी जो चल रहा है उसके अंदर सेविंग अच्छी तरह से फिक्स होनी चाहिए हमारी, तो हमें फ्यूचर के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 4 पॉइंट है, करंट सेविंग फिक्स एंड रिक्वायर्ड, दैट इज रिकरिंग। तो फर्स्ट पॉइंट है करंट अकाउंट, सेकंड सेविंग्स अकाउंट, थर्ड फिक्स अकाउंट, रिक्वायर्ड दैट इज रिकरिंग, रिकरिंग अकाउंट। ये करंट जो है, सेविंग जो है फिक्स है, और रिक्वायर जो अंडरलाइन वाले पोर्शन है वो अंडरलाइन वाले यहां से हमने सेट किए हैं। तो करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स अकाउंट एंड लॉन्ग टर्म अकाउंट, ये 4 अकाउंट इकोनॉमी के अंदर है जो कमर्शियल बैंक के अलग अलग अकाउंट के हम पॉइंट करें। तो सबसे पहले करंट अकाउंट, अ करंट अकाउंट इज ओपन विथ अ बैंक इन नेम ऑफ द बिजनेस फर्म और एन इंडिविजुअल। विड्रॉवल कैन बी मेड बाय नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ डे, एक दिन में ज्यादा बार अगर हमें विड्रॉ करना है, हमें पैसे भरने हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। अ चेक बुक इज गिवन टू कस्टमर ऑफ दिस अकाउंट, इस अकाउंट के चेक कस्टमर को दिए जाते हैं। इंटरेस्ट इज नॉट गिवन ऑन द करंट अकाउंट डिपोजिट बट बैंक में इम्पोज सम काइंड ऑफ सर्विसेज चार्जेस ऑन हिस अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट की बात ही छोड़ दो, पैसे जितने भी है 2 करोड़ 3 करोड़, मगर करंट अकाउंट में है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट में मिलने वाला नहीं है। वो जो बैंक होगी वो बैंक कैन रिकवर सम ऑफ द चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, जो उनके कस्टमर होंगे उसके पास से, अकाउंट होल्डर होंगे उनके पास से चार्ज रिकवर करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज एज पर द रूल्स ऑफ द बैंक अ कस्टमर में ऑप्टेन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर द बिजनेस पर्पस, यानी जो बिजनेस पर्सन है वो अपने पैसे के ऊपर एक तरह के, अगर वो बोले तो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल सकती है। ओवरड्राफ्ट यानी आपके जितने अकाउंट में पैसे उनसे ज्यादा पैसे को टर्म्स एंड कंडीशन के साथ विड्रॉ करने की एक फैसिलिटी जो करंट अकाउंट के अंदर मिलती है। तो जितने भी अमाउंट है उससे ज्यादा उनको अगर विड्रॉ करना है, डेट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो वो करंट अकाउंट में मिल सकती है। और सेकंड इज सेविंग्स अकाउंट्स, यूजुअली अ सेविंग्स अकाउंट इज ओपन फॉर द शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम के लिए ही ये अकाउंट ओपन हो सकता है, जिसके अंदर अपॉन अ कस्टमर गेट इंटरेस्ट, सेविंग के अंदर इंटरेस्ट उनको मिल सकता है। जैसे करंट सिनेरियो के अंदर हम देखें तो 3 to 4% हमें मिलता है, जो करंट सेविंग्स अकाउंट है उसके अंदर हमें जो अपने डिपोजिट है उसके अंदर पैसे मिलते हैं। वहां पे हमने देखा कि करंट अकाउंट के अंदर अगर एक बार हमने पैसे निवेश कर दिए तो उसके अंदर कोई चांस नहीं है, करंट अकाउंट के अंदर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको पैसे मिलते हैं इंटरेस्ट के रूप में, यानी 2% 3% मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं मिलने वाले आपको। एज पर द कंडीशन ऑफ आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन हमें 3 to 4% सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट मिल सकते हैं। अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर कैन विड्रॉ मनी बाय अ चेक और विड्रोवल स्लिप, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑल्सो यूज, बेनिफिट मिलते हैं डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के उनको स्लिप मिलती है, चेक मिलती है, जिससे वो अपने अकाउंट में से ओपन करवा और विड्रॉ कर सकते हैं। नाउ थर्ड, दैट इज फिक्स अकाउंट और लॉन्ग टर्म अकाउंट।
फिक्स अकाउंट और लॉन्ग टर्म अकाउंट, दैट इज यूजुअली पीपल हु वांट टू डिपॉजिट मनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू सच अकाउंट्स, बैंक पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट ऑफ सच अकाउंट्स, कस्टमर गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ऑन सच डिपॉजिट। यानी यहाँ पे एक अच्छी बात है कि कोई भी अकाउंट होल्डर अगर फिक्स अकाउंट ओपन अगर ओपन करवाना चाहता है तो लॉन्ग पीरियड तक के बेनिफिट मिलते हैं, बैंक पे हाईएस्ट रेट ऑन इंटरेस्ट, जो करंट में कुछ नहीं है, सेविंग में थोड़ा बहुत भी है मगर उन दोनों से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। कस्टमर गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सॉरी हाँ कस्टमर गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑल्सो, कस्टमर को ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। Now recurring deposit, a recurring account is opened by person who does not want to save bigger sums of money at the time, wants to deposit smaller amount of each for some period of time। यानी अगर उसके बाद पैसे ज्यादा है, पैसे की कोई अगर उनको requirement नहीं है और वो एवरी मंथ तक हैबिट डालना चाहता है, पैसे का सेविंग करना है, हमें 1 से 10 तारीख को अगर 2,000-3,000 पेड करने हैं तो उसमें वो जरा सा भी हिचकता नहीं है, तो ऐसे अकाउंट ओपन करने वाले को रिकरिंग अकाउंट होल्डर कहते हैं। और रिकरिंग अकाउंट के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक आप रिकरिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उसके बाद आपकी अमाउंट मैच्योर हो जाती है। आपको मंथली आपकी सेविंग्स के दौर पे आप चाहो तो रिकरिंग अकाउंट ओपन करवा के हर मंथ 2,000-3,000-1,000 के पैसे को निवेश आज से कर सकते हो। अब ये जो रिकरिंग अकाउंट है वो रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट जो भी आती है वो स्मॉल स्केल पे आती है, बड़ी नहीं होती। और सेकंड, इन द अकाउंट सेविंग्स ग्रेजुअली इंक्रीज एंड इंटरेस्ट is paid on the accumulated monetary। तो ये हमारी बातें हुई सिक्योरिटी सॉरी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। यानी अलग अलग अकाउंट के अंदर अलग अलग फैसिलिटी हमें मिल रही है। गिव एन आइडिया ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, जिसके अंदर करंट अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, सेविंग अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट में मिलता है, फिक्स अकाउंट के अंदर हमारे लॉन्ग टर्म हमारी सेविंग होती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट में ज्यादा मिलते हैं। रिकरिंग अकाउंट की अगर बात करें, रिकरिंग अकाउंट इज ओपन बाई द पर्सन हु डज नॉट वॉन्ट टू सेव बिगर सम ऑफ मनी एट टाइम बट वॉन्ट टू डिपोजिट स्मॉल अमाउंट ईच मंथ फॉर द सम पीरियड्स, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग अकाउंट। यानी एक साथ वो 2 लाख 3 लाख अगर नहीं है, छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट पे अगर वो सेविंग करना चाहते हैं तो उसके लिए रिकरिंग अकाउंट है। तो ऐसे चार अकाउंट, करंट में सेविंग फिक्स करोगे तो फ्यूचर के अंदर कोई भी रिक्वायर नहीं रहेगा, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में लेना है। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। अब थर्ड काफी इंपॉर्टेंट, स्टेट द डिफरेंट बिटवीन कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में जो डिफरेंसेस है वो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान में लेना है। जुलाई 2018 के अंदर पूछा गया है और 2020 मार्च के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले उनके पॉइंट की एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट फॉर प्रॉफिट, पीपल ऑनरशिप की ब्रांच कभी भी एक्सेप्ट नहीं करो। एक्सेप्ट क्या करना है, ऑब्जेक्ट फॉर प्रॉफिट, पीपल ऑनरशिप की ब्रांच कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के बारे में ही हम एक्सेप्ट करते हैं, लोगों की मालिकी है उसके ब्रांच कहाँ कहाँ है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट फॉर प्रॉफिट, पीपल ऑनरशिप की ब्रांच कभी भी एक्सेप्ट नहीं करो। एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट फॉर प्रॉफिट, पीपल ऑनरशिप की ब्रांच कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी हमें। तो सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक के अंदर फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट फ्रॉम पीपल, सेंट्रल बैंक नॉट फॉर पीपल। सेकंड, ऑब्जेक्टिव दैट इज प्रॉफिट, दैट इज स्टेबिलिटी सेंट्रल बैंक की। थर्ड, फॉर द पीपल फॉर द गवर्नमेंट। थर्ड, ऑनरशिप में प्राइवेट गवर्नमेंट ऑनरशिप, ऑनरशिप की बात हुई, गवर्नमेंट की ऑनरशिप है। ब्रांचेस में इन फॉरेन के अंदर ब्रांचेस होने के चांसेस है। ज्यूरिशन इज ओनली इन कंट्री, कंट्री के अंदर ही उनकी जो कायदे की एक क्षेत्र है वो वहां ही रहेंगे।
एक्सेप्ट एडवाइस ऑर्डर टू अदर बैंक, वो एक्सेप्ट करेगी एडवाइस, ऑर्डर करेगी, सेंट्रल बैंक है, कैन नॉट इश्यू करेंसी, इश्यू नहीं कर सकती करेंसी, इश्यू नहीं कर सकती, सॉल अथॉरिटी टू इश्यू करेंसी। तो ये सभी बातें हैं। तो कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक की अगर हम पॉइंट आउट करें तो एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड मेक एडवांस, यानी लोगों के पास से वो डिपॉजिट कलेक्ट करेंगे और उनको एडवांस करेंगे, पैसे देंगे। सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड डज नॉट मेक एडवांस टू द अदर, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक जो भी करेगी वो कॉमर्शियल बैंक के साथ करेगी। सेकंड, प्रॉफिट इज टू ऑब्जेक्टिव द कॉमर्शियल बैंक, प्रॉफिट इज ऑब्जेक्टिव, उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, प्रॉफिट के ऊपर ये चलती है, और ऑब्जेक्टिव जो है सेंट्रल बैंक का वो है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को स्टेबल करना, उनका ग्रोथ करना, वो उनका मेन प्रॉफिट, उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। दे आर द बैंक फॉर द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म, वो एक बैंक है पीपल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और सेंट्रल बैंक की बात करें तो इट्स बैंकर्स बैंक एंड बैंक्स टू गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की बैंक है, बैंकर की बैंक है। फोर्थ पॉइंट है, जो बैंक्स आर जनरली प्राइवेटली ऑन एंड मैनेज, बैंक्स आर जनरली प्राइवेटली ऑन एंड मैनेज, व्हाइल सेंट्रल बैंक इज जनरली गवर्नमेंट ऑन एंड मैनेज, गवर्नमेंट ऑन कर रही है और उसका मैनेज गवर्नमेंट कर रही है। फिफ्थ, कॉमर्शियल बैंक हैव देयर ब्रांचेस इन फॉरेन कंट्री, कॉमर्शियल बैंक की ब्रांचेस हो सकती है मार्केट के अंदर, बाहर के मार्केट के, फॉरेन कंट्री में। सेंट्रल बैंक हैज ज्यूडिशियरी ओनली इन द कंट्री, इट हैज नो फॉरेन ब्रांचेस। कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट इश्यू करेंसी, व्हाइल सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी टू इश्यू करेंसी नोट्स। कॉमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट्स विद सेंट्रल बैंक एंड एक्सेप्ट एडवाइस एंड ऑर्डर फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के अंदर उसके अकाउंट हो सकते हैं और उसकी एडवाइस के और उनके ऑर्डर के ऊपर चलते हैं कॉमर्शियल बैंक। बट सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक, रिजर्व बैंक, एट इज अपेक्स बैंक, बैंकों की बैंक, इट ऑर्डर एंड एडवाइस टू कॉमर्शियल बैंक। तो एक्सेप्ट का मतलब एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, ऑब्जेक्ट फॉर द प्रॉफिट दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, देन पीपल ऑनरशिप दैट इज ऑनरशिप मे बी प्राइवेट और अपनी, एंड गवर्नमेंट ऑनरशिप, देन ब्रांचेस, तो ब्रांचेस में इन फॉरेन, फॉरेन कंट्री के अंदर ब्रांचेस होने के चांसेस है, जुडिशियरी इन आवर कंट्री, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एडवाइस सेंट्रल बैंक जो देगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उनका एडवाइस। और ये ऑर्डर तो उसके हिसाब से वो सेट कर सकती है, और कैन नॉट इश्यू करेंसी, वो उनका सोल प्रोवाइडर है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, सेक्शन डी, 3 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन आपके लिए, क्योंकि 3 मार्क्स के अंदर ज्यादा पूछा गया है इस चैप्टर में से बोर्ड के अंदर। एक्सप्लेन आरबीआई इज नोन एज ए गवर्नमेंट बैंक, और एक्सप्लेन एक्ट ऑफ आरबीआई एज ए गवर्नमेंट एक्ट, गवर्नमेंट के एक्ट जो आरबीआई करती है उनको एक्सप्लेन करना है। मार्च 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नमेंट के बैंक के अंदर जो भी मार्केट के अंदर काम करते हैं बैंक वाले, तो बैंक का काम गवर्नमेंट के बैंक जैसा है, यानी इट्स अ बैंक्स ऑफ गवर्नमेंट। तो उनके लिए सबसे पहले आंसर, आंसर की सबसे पहले की गवर्नमेंट को एडवाइस मत दो, एक्सेप्ट करो, और एडवांस में पेमेंट का काम करने से टैक्स में क्रेडिट मिलती है। 2-3 बार अपने नोटबुक में लिख दो, अपने दिमाग में लिख दो, 2-3 बार पढ़ो, ताकि अच्छी तरह से आपके दिमाग में पहले सेट होना चाहिए कि ये पॉइंट हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए सबसे पहले बात हमें करनी है कि गवर्नमेंट को एडवाइस मत दो, उनको एक्सेप्ट करो। गवर्नमेंट को कोई एडवाइस नहीं दे सकता क्योंकि वो खुद अपने हिसाब से चल रही है। तो गवर्नमेंट को एडवाइस मत दो, उनको एक्सेप्ट करो, उनका जो भी है सब कुछ हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। एडवांस में पेमेंट का काम करो उनके साथ, पेमेंट उनको एडवांस में करो, तो टैक्स में क्रेडिट मिलती है। गवर्नमेंट को एडवाइस मत दो, एक्सेप्ट करो, और एडवांस में पेमेंट का काम करने से टैक्स में क्रेडिट मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि एडवाइस, तो एडवाइजिंग एक्ट फॉर इकोनॉमी पॉलिसी, ये एक पहला काम है गवर्नमेंट के बैंक आरबीआई है उनके लिए।
सेकंड एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड पे बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड गिव्स एडवांसेस टू गवर्नमेंट इन वॉर एंड डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। पेमेंट ऑफ डेब्ट वॉक, यानी अगर ज्यादा कर्ज बढ़ गया है तो वो पे करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। टैक्स कलेक्शन वर्क, जो 5 पॉइंट है उससे लास्ट पॉइंट क्रेडिट वेरियस फंड्स। यहाँ पे एडवाइस का मतलब एडवाइजिंग एक्ट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी, एक्सेप्ट का मतलब है एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड पे बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, एडवांस का मतलब गिव्स एडवांसेस टू गवर्नमेंट इन द वॉर एंड सम द क्रिटिकल कंडीशन इकोनॉमी, पेमेंट का मतलब है पेमेंट ऑफ डेब्ट वर्क, टैक्स का मतलब है यहाँ पे टैक्स कलेक्शन वर्क, एंड क्रेडिट का मतलब है यहाँ पे क्रेडिट ऑन वेरियस फंड। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट की बैंक है वो आरबीआई है, उनके बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। 6 पॉइंट के अंदर हमने मार्च 2018 और 19 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्शन डी के अंदर 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो रिजर्व बैंक जो है या सेंट्रल बैंक जो है वो इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमिकल पॉलिसी डिसाइड करने के लिए वो एडवाइस देती है, गाइडेंस देती है, ताकि वो इकोनॉमिकल पॉलिसी अच्छे से फॉर्म कर सके। पहला पॉइंट है उनका। सेकंड पॉइंट है एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड पे बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, यानी वो जो है गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी उनके फंड आते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, और जो फाइनेंशियली पेमेंट करना पड़ता है वो पे कर सकते हैं। फाइनेंशियली जो भी पेमेंट करना है वो गवर्नमेंट बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो करती है। यूज एडवांस टू द गवर्नमेंट इन वर्ल्ड इन वॉर एंड डेप्रिसिएशन, यानी वॉर है, इकोनॉमिकल कंडीशन बुरी है, डेप्रिसिएशन चल रहा है, ऐसी अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी के अंदर, ऐसी कंडीशन के अंदर सेंट्रल बैंक जो है वो अपने लिमिटेशन के रूल्स और रेगुलेशन के नॉर्म्स के अंदर रह के गवर्नमेंट को एडवांस देती है, पैसे देती है और फाइनेंशियली एडवाइस भी देती है। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट है पेमेंट ऑफ डेब्ट वर्क, यानी अगर किसी बैंक के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली वर्क अगर हमारे डेब्ट बढ़ जाते हैं तो उनको सेटलमेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट की बैंक जो आरबीआई है वो अच्छी तरह से उनको हेल्प कर सकती है। देन पेमेंट सॉरी टैक्स कलेक्शन वर्क, टैक्स कलेक्शन वर्क यानी जो बहुत सारे टैक्सेस रिकवर करेक्ट करने वो कलेक्ट करेगी, पब्लिक के लोन के अंदर जो भी पैसे बाकी है उनके पब्लिक के लोन के अंदर पैसे वो रिकवर करेगी। शॉर्ट टर्म के अंदर गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए तो वो पैसे आरबीआई दे सकती है। तो टैक्स कलेक्ट करना, शॉर्ट टर्म के अंदर पैसे गवर्नमेंट को देना, लोन के पैसे रिकवर करना, ये सभी कलेक्शन का वर्क भी वो करेगी। एंड क्रेडिट इन वेरियस फंड्स यानी टैक्स लेके या लोन लेके लोगों के पास के जो पैसे है उन सभी को इकट्ठा करेगी और गवर्नमेंट फंड्स जो आरबीआई के अंदर है वो क्रेडिट रखेगी और उस फंड से बहुत सारे डेवलपमेंट के चांसेस गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं। तो ये सभी बातें यहाँ पे आरबीआई इज नन एज ए गवर्नमेंट बैंक और एक्सप्लेन द एक्ट ऑफ आरबीआई एज ए गवर्नमेंट बैंक। तो गवर्नमेंट को एडवाइस मत दो, एक्सेप्ट करो, और एडवांस में पेमेंट का काम करने से टैक्स में क्रेडिट मिलती है। ये 6 पॉइंट से हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। 2018-2020 की हम बात करें तो इस क्वेश्चन के डिफरेंसेस भी पूछे गए हैं। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो काफी 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 इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए सेक्शन डी 2018 के अंदर। राइट शॉर्ट नोट ऑन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो सबसे पहले आंसर के अंदर काफी इजी है, देश, हमारा देश भारत देश को याद रखना है। डी फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, सेकंड ई फॉर दैट इज इफेक्ट ऑफ रेट, इंक्रीज और डिक्रीज यानी प्लस और माइनस यहाँ पे दिखाया है। अगर रेपो रेट में इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा तो क्या होगा। एंड थर्ड इज सेल सिक्योरिटी, सेल दैट सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेपो रेट के अंदर उनकी जो डेफिनेशन है उनके दोनों की डेफिनेशन पहले हम डिसाइड करेंगे कि अगर बैंक आरबीआई है और कॉमर्शियल बैंक है, ध्यान में रखना है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंदर लेन देन होती है बैंक के बीच, और बैंक के बीच यानी रिजर्व बैंक और सेकंड सामने है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का मतलब हमारे आजू बाजू में जो भी बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक है। आपके नजदीक में अगर बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये सभी बैंक जो है वो एक
कॉमर्शियल बैंक होगी, वो कॉमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई के अंडर में काम करती है। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के अंदर लेन देन क्या है, लेन देन का ही मामला है, मगर कौन किसे पैसे देते हैं, कौन से टाइम में पैसे देते हैं, किस रेट से पैसे देते हैं, क्या पर्पस से पैसे देते हैं, वो ही यहाँ पे डिस्कस करना है। और अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, तो वो रेट बढ़ाएंगे कम करेंगे, उससे हमारे इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा या डिप्रेशन कंट्रोल होगा, ये सभी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 3 मार्क्स के लिए आपके की वर्ड है, यहाँ आपको ये येलो जो नजर आ रहा है वो दिमाग में सेट कर लेना कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट देश ध्यान में रखना है। देश का मतलब है डेफिनेशन, इफेक्शन ऑफ रेट एंड सेल सिक्योरिटी। सबसे पहले बात करते हैं डी डी फॉर डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या है, तो रेपो रेट हेल्प टू रेगुलेट मनी मनी सप्लाई इन द शॉर्ट टर्म। When a commercial bank need funds for very short period, like 1 day, 7 days, 15 days, etc., then a rate at which RBI lends टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट। यानी रेपो रेट का मतलब कमर्शियल बैंक को अगर पैसे चाहिए और वो पैसे अगर वो जिस रेट से शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, अगर वो आरबीआई से जिस रेट से पैसे लेंगे, डेट इज कॉल्ड रेपो रेट, डेट इज कॉल्ड रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करें तो रिवर्स रेपो रेट के अंदर द रेट एट विच आरबीआई बोरो फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई बोरो फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक, ऊपर के अंदर कॉमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई, जो रेपो रेट के अंदर है वो कॉमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई, बट हियर रिवर्स, टोटल रिवर्स, आरबीआई बोरो फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक एट द रेट एट विच दे टेक द मनी फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक, इट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इन द अदर वर्ड्स द डिपोजिट एट द डिपोजिट रेट एट विच आरबीआई सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात आ रही है, थर्ड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट सेल्स सिक्योरिटी। द इन अदर वर्ड द डिस्काउंट रेट एट विच आरबीआई सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई अपने पास जो सिक्योरिटी है वो कॉमर्शियल बैंक को बेच देगी, तो उसे जो जिस रेट से बेचेगी, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। और रेपो रेट के अंदर हम बात करें तो इन अदर वर्ड द डिस्काउंटेड रेट एट विच द कमर्शियल बैंक सेल सम सिक्योरिटी। कमर्शियल बैंक सेल करेगी अपनी सिक्योरिटी को तो आरबीआई पैसे देगी शॉर्ट टाइम के ऊपर, तो उसे जिस रेट पे वो सिक्योरिटी बेचेगी, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। रेपो रेट के अंदर कौन किसे बेचेगा, रेपो रेट के अंदर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को बेचेगी, और रिवर्स रेपो रेट के अंदर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट से अपनी सिक्योरिटी को बेचेगी वो है रिवर्स और रेपो रेट। अब इफेक्ट ऑफ रेट की हम बात करें, क्या होगा इन्फ्लेशन के अंदर, तो ध्यान रखना, इफ रेपो रेट इंक्रीजेस द कॉमर्शियल बैंक बोरो लेस अमाउंट फ्रॉम आरबीआई। अगर रेपो रेट हमारा बढ़ रहा है तो कॉमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से कम रेट पे पैसे लेगी, कम पैसे लेंगी। इफ द रेपो रेट इंक्रीजेस, अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो कॉमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लेस अमाउंट से बोरो करेगी एंड लेंड टू पब्लिक एट हायर रेट। पब्लिक से वो हाई रेट पे पैसे रिकवर करेगी। एज ए रिजल्ट पब्लिक बोरो लेस and money supply is reduced, thus in inflation RBI increases repo rate and decreases it at the time of depression. April 2016 की बात करें तो repo rate हमारा 6.5 था, यानी जब repo rate increase हो रहा है तो क्या करेगी repo rate, सॉरी कॉमर्शियल बैंक, अगर रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो कॉमर्शियल बैंक जो आरबीआई से पैसे लेती है वो कम रेट पे लेगी, कम लेगी, क्योंकि उनको महंगे पड़ रहे पैसे और लोगों को ज्यादा रेट से वो पैसे एडवांस देंगे। उनके अगेंस्ट हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें, इफ रिवर्स रेपो रेट इंक्रीजेस, अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेगी कॉमर्शियल बैंक और क्या करेगी आरबीआई। इफ द रिवर्स रेपो रेट इंक्रीजेस देन कमर्शियल बैंक लैंड मोर टू आरबीआई। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ रहा है तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को ज्यादा से ज्यादा लैंड करेगी एंड द जनरल पब्लिक गेट्स लेस अमाउंट एज लोन, और जनरल पब्लिक को पैसे कम देगी। कॉमर्शियल बैंक ज्यादा क्या करेगी, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ रहा है तो कॉमर्शियल बैंक को फायदा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा आरबीआई को पैसे लेने के लिए आगे बढ़ेगी और कम लोगों को लोन देगी। देयरफॉर मनी सप्लाई इज रिड्यूस इन द मार्केट। मार्केट के अंदर सप्लाई जो है मनी का वो लोगों के हाथ में कम होगा, आरबीआई के पास ज्यादा हो सकते हैं। दस इन इन्फ्लेशन आरबीआई इंक्रीजेस रिवर्स रेपो रेट। इन इन्फ्लेशन आरबीआई इंक्रीजेस रिवर्स रेपो रेट and decreases
इट इन द टाइम ऑफ डिफ्लेशन और डिप्रेशन, डिप्रेशन के टाइम या डिफ्लेशन के टाइम के अंदर जो रिवर्स रेपो रेट है वो कम करेगी, और जो इन्फ्लेशन के दौर पे है वो आरबीआई अपने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी। जनरली रिवर्स रेपो रेट इज लेस देन डेट द रेपो रेट, जनरली रिवर्स रेपो रेट इज लेस देन डेट रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जो है वो 100% रिवर्स, जो रिवर्स रेपो रेट है वो 100% रेपो रेट से जनरली कम ही होता है। हम अगर अप्रैल 2016 की बात करें तो रेपो रेट हमारा 6.5 था, तो रिवर्स रेपो रेट हमारा 6 था, यानी रेपो रेट हमेशा प्लस होता है और रिवर्स रेपो रेट हमेशा माइनस होता है। तो ये दोनों के बीच के डिफरेंसेस आपको पूछे जाए शॉर्ट नोट के अंदर, दोनों की शॉर्ट नोट बताइए। तो तीन बातें हमें ध्यान में रखनी है, एक तो डेफिनेशन, उसके अंदर इफेक्ट ऑफ रेट्स, अगर इंक्रीज हो रहे हैं रेपो रेट तो क्या कॉमर्शियल बैंक आरबीआई करेगी, अगर ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी, राइट द शॉर्ट नोट ऑन बैंक रेट, बैंक रेट के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखनी है सेक्शन डी के अंदर, 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। और बैंक रेट अगर आपको पूछा गया तो आपको सबसे पहले उनके की को ध्यान में रखना है। इन्फ्लेशन में मनी की पॉलिसी डेफिनेटली ज्यादा हाई हो जाती है, इन्फ्लेशन में मनी की पॉलिसी डेफिनेटली हाई हो जाती है, इन्फ्लेशन के अंदर मनी की पॉलिसी डेफिनेटली हाई हो जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इन्फ्लेशन के अंदर मनी की पॉलिसी डेफिनेटली हाई हो जाती है। बैंक रेट के अंदर ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्फ्लेशन के अंदर मनी की पॉलिसी 100% डेफिनेटली ज्यादा हाई हो जाती है। तो इन्फ्लेशन का मतलब इन इन्फ्लेशन बैंक रेट, इन इन्फ्लेशन बैंक रेट। सेकंड, फर्स्ट इन इन्फ्लेशन बैंक रेट इज अप, ये अप का साइन है यानी ऊपर होगा, इन्फ्लेशन के अंदर बैंक रेट ज्यादा होगा। मनी सप्लाई इज लो डाउन, यानी डाउन का एरो है, मनी सप्लाई डाउन होगा व्हेन बैंक रेट अप, अगर बैंक रेट अप हो रहा है, यहाँ पे बैंक रेट अगर ज्यादा है तो मनी ऑफ सप्लाई लेस होगा। सेकंड में यानी मनी डेट मींस मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन डेट इन इन्फ्लेशन बैंक रेट, पॉलिसी, पॉलिसी डेट इज पॉलिसी चिप एंड डियर, यहाँ पे दो तरह की पॉलिसी होती है, चिप पॉलिसी एंड डियर पॉलिसी, यानी मनी चिप पॉलिसी, मनी डियर पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, चिप मनी पॉलिसी। तो पॉलिसी के अंदर दो पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं, डेफिनेटली इन शॉर्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ बैंक रेट, बैंक रेट की पहले डेफिनेशन ध्यान में रखनी है हमें, और देन हाई डेट इज हाई प्राइस रेट, हाई प्राइस रेट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ये पांच पॉइंट मिला के हमें 3 मार्क्स मिल सकते हैं। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैंक रेट, इसके अंदर की वर्ड है इन्फ्लेशन में मनी की पॉलिसी डेफिनेटली ज्यादा और हाई हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें बैंक रेट क्या है। कॉमर्शियल बैंक, जब हमारे पास पैसे की कमी होती है, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे कम होते हैं तो आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई से लॉन्ग टर्म का वो पैसा लेते हैं। तो वो जो रेट पे पैसे लेंगे वो है बैंक रेट, ध्यान में रखना है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर ये आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसे देगी, मगर बैंक रेट के अंदर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ कॉमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड सम ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, व्हेन द कॉमर्शियल बैंक हैविंग शॉर्टेज ऑफ फंड दे बोरो फ्रॉम द आरबीआई, देन द रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड बैंक रेट। अब ये डेफिनेशन फोर्थ पॉइंट पे है, मगर यहाँ पे हमने आपको अच्छी तरह से सेट करने के लिए दिमाग में ये हमें इन्फ्लेशन में मनी की पॉलिसी डेफिनेटली ज्यादा हाई हो जाती है ये पॉइंट लिखा है। अब डेफिनेशन आपके दिमाग में सेट हो गई, अब इन्फ्लेशन के अंदर क्या हो रहा है तो हम देखें, जब आरबीआई के बैंक रेट अगर इंक्रीज होते हैं तो कॉमर्शियल बैंक उनके कस्टमर को हाई रेट के ऊपर एडवांस करेंगे, पैसे देंगे। एज ए रिजल्ट जो कस्टमर होंगे वो कम से कम अपने पास पैसे लेंगे, यानी उनको जो लोन देंगे, उनको जो एडवांस लैंड्स करेंगे पैसे, वो लैंड कम लेंगे, उनको पैसे देते हैं मगर उनको पे करते वक्त हाई पेमेंट करना पड़ता है, तो ज्यादा से ज्यादा वो ऐसे कंडीशन के अंदर वो पैसे कम लेंगे। उससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर मनी ऑफ सप्लाई, यहाँ पे मनी ऑफ सप्लाई की बात हो रही है, मनी ऑफ सप्लाई कम होता जाएगा। इन शॉर्ट, जब आरबीआई जिस रेट से पैसे दे रही थी उनसे अगर आरबीआई रेट बढ़ा दे
कॉमर्शियल बैंक को जो पैसे दे रही है आरबीआई, वो ज्यादा हाई रेट से अगर वो दे रही है पैसे, तो कॉमर्शियल बैंक जो है वो अपने कस्टमर को हाई रेट पे ही पैसे देने वाली है। लोन देंगे तो हाई रेट पे ही देंगे, क्यों? क्योंकि बैंक रेट अगर बढ़ रहा है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के पास से ज्यादा पैसे रिकवर कर रही है, तो कॉमर्शियल बैंक रिकवर करेगी लोगों के पास से। अगर वो दूसरों को लोन दे रही है तो लोन के ऊपर हाई रेट रिकवर करेगी, उससे लोग लोन लेना पसंद कम करेंगे, उससे इन्फ्लेशन के अंदर कंट्रोल होगा और मनी ऑफ सप्लाई, सप्लाई मनी जो हाथ में पैसे है वो डिक्रीज हो गया। दैट वाई हियर मनी सप्लाई इज डाउन व्हेन बैंक रेट इज ऑफ, बैंक रेट ऑफ होगा तो मनी सप्लाई कम होता जाएगा। अब थर्ड पॉइंट है पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे by increasing bank rate RBI reduces the money supply, therefore inflation is reduced. Thus in inflation RBI increases bank rate, while in depression RBI reserve bank rate, hence money supply. यहाँ पे policy की बात होगी। policy दो तरह की policy यहाँ पे ध्यान में लेनी है हमें। पहली policy जो हमारी है वो the policy of keeping the bank rate very low. बैंक रेट अगर लो ऊपर जा रहा है तो जो पॉलिसी होती है वो चीप मनी पॉलिसी, पहली जो पॉलिसी होगी वो चीप मनी पॉलिसी, यानी अगर बैंक अपने रेट को अगर लो रेट पे डिक्लेयर करेगी, यानी कम रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसे देगी, तो वो जो पॉलिसी होगी वो चीप मनी पॉलिसी कहलाएगी। एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी हाई, अगर आरबीआई बैंक रेट हाई रखेगी वो पॉलिसी को डियर मनी पॉलिसी कहलाएगी। तो चिप मनी एंड डियर मनी उनके रेट के हिसाब से होती है। अगर आरबीआई ज्यादा से ज्यादा रेट रिकवर करने की बात करेंगे बैंक रेट को, तो वो जो पॉलिसी होगी वो चिप रेट पॉलिसी, और अगर वो कम रेट पे पैसे अगर वो करेगी, सॉरी ज्यादा हाई रेट पे होगी तो वो यस 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 द पॉलिसी कीपिंग द बैंक इज वेरी लो is called cheap money policy, and the keeping the bank rate very high is called dear money policy. High yani dear money policy, or cheap yani low rate pe. Okay, definition ki hum baat kar rahe hai, ke definition ko hum achi tarah se jante hai ki long rate pe, long term ke agar paise hame mil rahe hai, हमें यानी कॉमर्शियल बैंक को, किस से? तो आरबीआई को, आरबीआई से हमें कम रेट पे पैसे मिल रहे हैं, तो उनको जो रेट से हमें पैसे मार्केट में से मिलते हैं हमें, यानी हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक की ही, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, वो अगर आरबीआई से कम रेट पे लॉन्ग टर्म पैसे ले रहे हैं तो वो उनके बैंक रेट की डेफिनेशन बन जाती है। अब हाई प्राइस रेट क्या है? हाई प्राइस रेट यानी बैंक रेट, बैंक रेट इज द रेट फॉर द लॉन्ग टर्म एंड हेंस कैन नॉट बी चेंज। लॉन्ग टर्म उनको पैसे चाहिए कॉमर्शियल बैंक को, और वो लॉन्ग टर्म के जो पैसे बैंक रेट से आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक को मिलेंगे वो लॉन्ग टाइम और उनको चेंज नहीं करेंगे इन द वेरी शॉर्ट पीरियड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड हाई प्राइस रेट। हाई प्राइस रेट यानी आकरादर यानी काफी हैवी रेट जिसे हम कहते, तो हाई प्राइस रेट कहा जाता है, यानी बैंक रेट वो रेट जिससे अगर शॉर्ट टाइम में हम चेंज नहीं कर सकते और लॉन्ग टाइम तक वही रेट रहते हैं तो उसे हाई प्राइस रेट कहा जाता है। तो बैंक रेट के अंदर इतनी बातें हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। पहले इन्फ्लेशन के अंदर क्या है, तो ओके बैंक रेट बढ़ा तो इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन तो बैंक रेट बढ़ा देगी, यानी बैंक रेट बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन 100% है, इन्फ्लेशन के अंदर ही बैंक रेट बढ़ेंगे, मनी सप्लाई कम होगा। अगर बैंक रेट अप हो रहा है तो मनी सप्लाई हमारा कम होगा। चीप एंड डियर पॉलिसी, अगर ज्यादा पैसे, ज्यादा बैंक रेट हाई आरबीआई करेगी तो वो चीप है, अगर वो कम करेगी तो लो यानी डियर है। डेफिनेशन जो है उसकी हमने इन्फॉर्म कर दी, और हाई प्राइस रेट ये हमें सेक्शन डी के अंदर ध्यान में रखने वाली बात है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डिटेल। सेक्शन ई के अंदर 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन ई, 5 मार्क्स। गिव द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक और आरबीआई एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन। मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का मीनिंग और उनके फंक्शन हमें ध्यान में रखने। मार्च 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि गिव द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या है, उसका मीनिंग और उनके फंक्शंस। तो सबसे पहले आंसर, और आंसर के साथ उनकी की होती ही है। सबसे पहले लास्ट में हम यह कह सकते हैं कि आज के जमाने में 5G भी और करेंसी की ही क्रेडिट है, फॉरेनर्स की नहीं है।
लास्ट में हम यही कर सकते हैं कि आज के जमाने में 5GB और करेंसी की ही क्रेडिट है, फॉरेनर्स की नहीं है। लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि आज के जमाने में लास्ट है 5GB है, करेंसी है, क्रेडिट है, फॉरेनर्स है। ये मेन पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर, लास्ट, उसके बाद ये जो जीबी, जी और बी अलग अलग पॉइंट है, लास्ट जी और बी, उसके बाद करेंसी, उसके बाद क्रेडिट और फॉरेनर्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। सेकंड जी, जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट, ध्यान में रखना है जो जी है ये यहाँ पे जी है, गवर्नमेंट का जी है, बैंक टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बैंक। बी, ये बी यहां से लिया है, बैंकर्स बैंक। उसके बाद करेंसी, दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ करेंसी। देन क्रेडिट, दैट मींस क्रेडिट कंट्रोल। एंड देन कस्टोडियन टू फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेनर्स यहाँ पे लिया है, फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे। तो लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि आज के जमाने में 5GB और करेंसी की क्रेडिट है, फॉरेनर्स की नहीं है। लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि आज के जमाने में 5GB और करेंसी की ही क्रेडिट है, फॉरेनर्स की नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के अंदर में क्या ध्यान में रखना है कि इन केस ऑफ द इमरजेंसी इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी ऑफ कैश टू बैंक्स। इमरजेंसी के दौर पे बैंक ही हमें पैसे दे सकती है। इट्स बाय शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड अदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक एंड गिव कैश लोन। दिस वे द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन बैंक्स is maintained by the timely interventions of the central bank and therefore it is lender to last resort. अगर emergency के अंदर पैसे चाहिए commercial bank को तो कहाँ से मिल सकते हैं? RBI से ही। अपनी जो भी security है, जो भी उनके पास bond है, वो बेच देगी और commercial bank को पैसे मिल सकते हैं ताकि लोगों का भरोसा उस bank के अंदर कायम रहे और bank जो close हो जाती है वो close होते ही बच जाती है। Second, bankers government, bank Bankers to the government, bankers government नहीं, bankers to the government, bankers to the government, bankers to the government का मतलब है वो government की bank है एक तरह की। bankers to the government के अंदर अगर हम खुद discuss कर रहे हैं ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। The central bank is a bankers, advise and agent of the central government to all state governments. It manage government bonds, government accounts, currency coins and notes of rupees one. It provide loans टू गवर्नमेंट, एक रुपीज की नोट वो जो कॉमर्शियल बैंक है वो कर सकती है, इश्यू कर सकती है। इट प्रोवाइड्स लोन्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी वो लोन दे सकती है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर वो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, बैंकर्स ऑफ बैंक है, तो ये ऐसे ऐसे एक्ट उनको करने पड़ते हैं। सेकंड, बैंक इश्यू ऑफ करेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, इश्यू ऑफ करेंसी। तो सेंट्रल बैंक हैज, RBI की बात हो रही है, सेंट्रल बैंक हैज द सॉल्ट राइट टू इश्यू करेंसी नोट्स ऑफ टू एंड अबाव, रुपीज टू एंड अबाव, यानी दो रुपी और उनके ऊपर 500, 100, 50, 10, 20 जितनी भी नोट है वो सॉल्ट प्रोवाइडर है इश्यू करने की, तो उसके पास ये राइट रहता है कि वो नोट इश्यू कर सकती है। करेंसी नोट ऑफ रुपीज वन एंड ऑल करेंसी कॉइन आर इश्यूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। एक रुपये और बाकी सारे करेंसी जो है वो सभी कौन बाहर पाते हैं, वो सभी बाहर इश्यू करने की जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट है। करेंसी नोट ऑफ रुपीज वन एंड ऑल करेंसी, एक रुपीज और करेंसी के कॉइन, कॉइन को ध्यान में रखना, एक रुपीज की नोट और करेंसी यानी चिल्लर और वन रुपीज की नोट, वो कौन बाहर पाड़ सकते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट। और बाकी के सभी टू रुपीज एंड ऑल अबाव नोट आर इश्यूड बाय द RBI, सेंट्रल बैंक वो करती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वन रुपीज नोट एंड द करेंसी कॉइन इज डन बाय द सेंट्रल बैंक एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट के तौर पर वो वन रुपीज की नोट पब्लिश कर सकते हैं और कॉइन बाहर पार सकते हैं और जो इश्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सॉरी क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल है फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट कंट्रोल की हम बात करेंगे, क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स। उनके जो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली टूल्स है उसके अंदर से, उनके क्वालिटेटिव टूल्स हमने अभी आगे डिस्कस किए, वो सभी पॉइंट से वो अपने इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी और ग्रोथ कर सकती है। तो क्रेडिट
कंट्रोल का भी उसका एक वर्क है। देन कस्टोडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टोडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसका मतलब है जो बाहर के जो हमारे एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज है, उनको कैसे मेंटेन करना, उनको कैसे रिजर्व रखना, उनको कैसे वर्क करवाना, तो वो उनका एक काम है। जैसे हम देखते हैं कि द सेंट्रल बैंक मेंटेन द वैल्यू ऑफ द रूपीज वाइस वर्सा ऑफर करेंसीज अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइन, जो एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से मेंटेन करती है, जो $1 इक्वल टू 50 रुपीज, 60 रुपीज, 1 पाउंड इक्वल टू 80 रुपीज, 90 रुपीज, वो जो हम जानते हैं उसका मेंटेनेंस करने का काम, दैट इज कॉल्ड कस्टोडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इट मेंटेन द वैल्यू ऑफ द इंडियन करेंसी बाय द बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट के अंदर, ओपीओ ओपन मार्केट के अंदर वो अपने रुपीस अपने करेंसी को बाइंग और सेलिंग करके फॉरेन एक्सचेंज से अपना मेंटेन करते। इट एडमिनिस्ट्रेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाय द चेकिंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो कितना है फॉरेन एक्सचेंज का, आउटफ्लो कितना है, उन सभी को मेंटेन करके वो रिजर्व करके एडमिनिस्ट्रेट करती है। दस द सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी वो एक तरह के अच्छी तरह से मेंटेन करने वाले लोग है, एक इंस्टीट्यूट है। जैसे बाय लॉ जो भी हमारी फाइनेंशियल जो एक्सचेंज है, यानी हमारी बाहर की फॉरेन एक्सचेंज है, उनको स्टेडी रखने की जिम्मेदारी हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई की है। जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज के रेट मार्केट और डिमांड के साथ डिसाइड हो रहा है, तो उसको अच्छी तरह से मार्केट के अंदर बेच के, खरीद के, अच्छी तरह से जो इंडिया का करेंसी का जो वैल्यू है उनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी का नाम कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं सेक्शन ई के लिए 6 पॉइंट के लिए 6 पॉइंट। लास्ट में हम ये कहेंगे कि आज के जमाने में 5GB और करेंसी की ही क्रेडिट है फॉरेनर्स की नहीं। ये 5 पॉइंट लास्ट यानी लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जी और भी अलग अलग वर्ड है, जी यानी गवर्नमेंट दैट इज बैंकर्स टू गवर्नमेंट, जी बी यानी बैंकर्स बैंक, करेंसी दैट इज इश्यू ऑफ करेंसी, क्रेडिट यानी क्रेडिट कंट्रोल, एंड फॉरेनर्स यानी कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये बात ध्यान में रखनी है। What is credit creation? Explain with an example how the commercial bank do the work of credit creation. March 18 और March 19 का question है, credit creation का मतलब क्या और credit creation कैसे किया जाता है। सबसे पहले की काफी easy है, PC याद रखना है की के अंदर, PC in sense of by the way primary deposit and by the way cash reserve ratio, primary deposit से credit creation हो सकता है और cash reserve ratio से, तो दो point के अंदर हमें discuss करने हैं ये पूरे 5 marks के question को। सबसे पहले उनकी definition, the policy process of the bank for lending money from primary deposit and thereby credit new deposits and increasing money supply is called credit creation, the policy process of bank for lending money from primary deposit and thereby to credit new deposits and increasing money supply is called credit creation. So, yahan pe the policy process of the bank for lending money from primary deposit and thereby creating a new deposit and increasing money of supply is called credit creation. Ab do point hai, by the way of primary deposit, by the way of cash reserve ratio. The commercial bank creates credit on the basis of primary deposit received from the people. People के पास जो people यानी common people के पास से या middle class से lower दोनों तीनों के पास से जो भी पैसे आते हैं, the commercial bank creates credit on the basis of the primary deposit received from the people. The banks make advances to their customer by opening their accounts and crediting the loans amount in their favor instead of giving cash to them. As soon as the client issue the check to withdraw the amount, credit is created. यानी customer को वो provide करेगी अपने account में से loan के लिए, advance के लिए, और उसके ऊपर जैसे ही वो check लिख के withdrawal start करे उससे credit creation start होगा. The primary depositors generally do not the primary depositors generally do not withdraw all their deposits at the same time. एक साथ कोई भी डिपॉजिटर है वो पैसे लेने वाले नहीं है। द बैंक कीप द सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट इन फॉर्म टू द रिजर्व टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ देयर डिपॉजिट एंड लेंड द रिमेनिंग अमाउंट टू द बोरोवर्स। यानी
बैंक कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन अपने हाथ में, सर्टेन प्रोपोर्शन अपने हाथ में रखेगी। अगर 1 लाख है तो 10 हजार उसके हाथ में रखेगी, 20 लाख है तो 2 लाख उसके हाथ में रखेगी, बैंक अपने हाथ में रखेगी। द बैंक कीप द सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ द रिजर्व, एक रिजर्व के तौर पर अपने हाथ में रखेगी, टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, उनकी रोजाना जो भी जरूरियात है उनको फुलफिल करने के लिए, ऑफ देयर डिपोजिटर, उनके डिपोजिटर की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सकती है। एंड लैंड टू द रिमेनिंग अमाउंट टू द बोरोवर्स, और जो 90% 80% उसके हाथ में से उन्होंने रखी नहीं है वो बोरो करेगी जिनको लोन चाहिए उनको। दिस लीड्स टू क्रिएट क्रेडिट क्रिएशन, जिससे हाँ वो क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल कैन अंडरस्टैंड दिस, और एक एग्जाम्पल है उनका, उनको हम डिजाइन बोलेंगे। सपोज यहाँ पे हम बात करें कि एक फॉर्मूला है उनका, क्रेडिट क्रिएशन दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट इनटू वन इन डिवाइडेड बाय सी आर आर, यानी प्राइमरी डिपॉजिट को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे और क्रेडिट रिजर्व रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्रेडिट क्रिएशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइमरी डिपॉजिट किसी एक बैंक के अंदर 1 लाख है, कैश रिजर्व रेशियो 20% है, तो अगर उस फॉर्मूला के अंदर हम रखें प्राइमरी डिपॉजिट 1 लाख इंटू वन डिवाइडेड बाई 20%, 20% इज इक्वल टू 20/100, दैट इज कॉल्ड 0.20। हियर मेंशन 0.20 इन सेंस ऑफ 20%, परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेट इन 100 मैनर, सो 20/100 दैट इज कॉल्ड 0.20, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 लाख इनटू 1 डिवाइडेड बाय 0.20 दैट इज कॉल्ड 5 लाख, सो प्राइमरी डिपॉजिट 5 लाख कैन क्रिएट, 1 लाख कैन क्रिएट 5 लाख क्रेडिट क्रिएशन, सो हियर 5 लाख इज आवर क्रेडिट क्रिएशन। सो कैश रिजर्व रेशियो सॉरी क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू व्हाट, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू वन डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व उसकी लिमिटेशन भी है, मिनिमम रिजर्व रेशियो है, बोरोवर विड्रॉवल ऑफ द लोन्स एंड सैंक्शंस ऑन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, ये सभी क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर डिपेंड रखते हैं। इफ द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल फेवर ट्रांजेक्शन विद द चेक्स ड्राफ्ट एक्सेट्रा, बैंक विल हैव मोर डिपॉजिट एंड कैन क्रिएट मोर क्रेडिट। इफ पीपल यूज ओनली कैश ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन इवन बोरोवर विल विदड्रॉ देयर लोन्स एज अर्ली एज पॉसिबल, बैंक डू क्रिएट क्रेडिट बट नॉट एज सेम टाइम्स एस इंडिकेटेड बाई द मल्टीपल इन द थियरी, यानी है कि लोगों को हैबिट है कि वो कैसे ही ट्रांजेक्शन करे, उनके जो अकाउंट है उस चेक से ही वो सभी ट्रांजेक्शन करे, तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ सकते हैं। इट इज डिपेंड ऑन हैबिट्स ऑफ पीपल्स। बोरोवर विड्रॉवल एंड द लोन्स आर ऑल्सो, अगर जो बोरोवर है वो ज्यादा अपने पैसे को ले रहा है, ज्यादा अगर बैंक के अंदर रख नहीं रहा तो भी क्रेडिट क्रिएशन कम होने के चांसेस है। मिनिमम रिजर्व रेशियो, बैंक को अगर 10% या 20% या 30% जो मिनिमम रिजर्व रेशियो है अपने हाथ में अगर वो ज्यादा रखने की बात होती है तो भी क्रेडिट क्रिएशन कम होने के चांसेस है। तो इस तरह से बैंक अपने क्रेडिट क्रिएशन का वर्क कर सकती है। तो ये चैप्टर यहाँ पे, ये चैप्टर नहीं, ये रिवीजन के राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। फिर ये अंत सुनी हर अगर आप सब उनको खूब आभार, जुड़ता रहो आईसीडी कॉफर चैनल। प्रकरण 5 ना रिवीजन राउंड मारे, चैप्टर 5 के रिवीजन राउंड भी इस तरह से ही हम ध्यान में लेंगे, कैसे ट्रिक है, कौन कौन सी ट्रिक है। हम आपको फिर से एक बार बोल रहे हैं कि जितनी भी ट्रिक जैसे ही आपके दिमाग में सेटअप होती है, 2-3 बार पढ़ो, 2-3 बार अच्छी तरह से उनको बोलो, नोट के अंदर डिक्टेट करो, टेक्स्ट बुक के अंदर डिक्टेट करो, पैम्पलेट के अंदर डिक्टेट करो, और आपके अगर नवनीत आप लेके बैठो उसके अंदर भी आप डिक्टेट करो, और 2-3 बार उसको एक पेज के ऊपर फुल स्केप के ऊपर वो सिर्फ ट्रिक जो पॉइंट है मेन पॉइंट वो, और उनकी ट्रिक आपकी को इकोनॉमिक्स के अंदर फेल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पास आराम से होंगे, 100 में से 100 आने के भी चांसेस रहेंगे, लिस्ट बनेगी आपकी, अकाउंट स्टेट की तरह आप इकोनॉमिक्स के अंदर भी 100 में से 100 ला सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर द डे।